गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आज आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं एक ग्लास गर्म पानी और चाय के साथ। ये देखिए, यहाँ पे मेरा चाय भी बन रहा है। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, सब लोग सोए हुए हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ मैंने रात में ही सारी सब्जी काट ली है, सारा मसाला का तैयारी कर लिया है ताकि मैं सुबह जल्दी जल्दी कर पाऊँ। अभी मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी का सब्जी और करेले का भुजिया। और यहाँ मैं गोभी को फ्राई कर रही हूँ। गोभी को लाल होने तक फ्राई करना है। सो फ्रेंड्स, अब मैं मसाला पीसने जा रही हूँ, जिसमें जीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी, धनिया पाउडर, प्याज, लहसुन, अदरक, ये सारा मिला करके इसको पीस लेना है और टमाटर भी ऐड करना है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने आलू भी साथ ही साथ फ्राई किया है। जब गोभी अच्छे से फ्राई हो गया था तो मैंने उसमें आलू दिया है, नमक दिया है और अब ये तीनों को मिला के अच्छे से फ्राई करना है। अब मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ करेले का भुजिया। उसमें तेल में 5 फोरन देना है, हरी मिर्च देना है और करेला दे देना है। उसके बाद नमक और हल्दी देना है। सो फ्रेंड्स, आलू और गोभी अच्छे से फ्राई हो गया था। अब मसाला छौंकने की बारी है, तो इसमें मैं तेल दूंगी। जब तेल गर्म हो जाएगा तो 5 फोरन देना है। उसके बाद जो मसाला मैंने पीसा है वो दे देना है, हल्दी दे देना है, नमक मैंने पहले से दिया हुआ है तो नमक नहीं देना है। मसाला जब अच्छे से फ्राई हो गया, जब वो तेल छोड़ने लगा, तब मैंने इसमें आलू गोभी और मटर दिया है और अब ये तीनों को अच्छे से फ्राई होने देना है। आलू गोभी को मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब होने देना है। और यहाँ देखिए, मेरा करेला बहुत अच्छे से सीज गया था। मैं हमेशा करेले के भुजिया में सीजने के बाद प्याज देती हूँ, तब उसको थोड़ी देर फ्राई करती हूँ। आप भी ये ट्राई करिए, बहुत अच्छा होगा। और यहाँ आलू गोभी का सब्जी बन गया था तो मैंने उसमें धनिया पत्ती ऐड किया। तब तक मेरे हस्बैंड उठ गए, तो ये उनके लिए और मेरे लिए चाय मैंने बनाया है। और यहाँ देखिए, और ये थाली मैंने तैयार किया है इनके लिए, ये रेडी हो रहे हैं बस। तो देखिए इनको खाना कैसा लगता है। और यहाँ पे मैं और लड्डू आए हुए थे मॉल, तो बस देखिए लड्डू ने अपने लिए क्या क्या पसंद किया। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं, कुछ कुछ सामान हम लोगों ने लिया है और लड्डू ने भी अपने लिए कुछ लिया है, वो घर जाके अनबॉक्सिंग करेगा। आप लोग भी देखिएगा। बोलो, आप बोलोगे तब ना। May I help you? Help you. May I help you? May I help you? Hi guys. Let's move on, guys. Let's see what we got.
ये रबर है तीन, ये है मेरा कलर, और बस ये कैसे पता थे क्या ही, और पेपर है कहीं। तो तुम्हें पसंद आया? यस। वेरी गुड, वेरी नाइस। यस। तब तो पढ़ाई करोगे तुम, कलर करोगे? नहीं तो अभी हम लौटा के आएंगे, जल्दी बता। अभी चलो मेरे चैनल के बारे में बोलो मेरे व्यूअर्स को। हम ना बोलो। ठीक है, अब तुमको कभी कुछ नहीं लेके दे। ओके तो फ्रेंड्स, हम लोग शॉपिंग से घर आ गए हैं। लड्डू का सामान तो आप देख ही चुके हैं, तो आइए अब मेरा सामान देखिए कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया हुआ है। नहीं ये देखिए मैंने, अरे लड्डू नहीं, ये मैंने बहुत दिन से, लगभग 2-2.5 साल से मैं ये मॉल में देख रही थी, बट लेती नहीं थी कि टूट फूट जाएगा, बट अब आज लास्टली मैंने ले ही लिया। ये प्लेट्स लिया है मैंने, ये 3 का सेट, एक कंटेनर लिया है, और ये एक लिया है। ये एक कंटेनर लिया है मैंने, और ये लड्डू का है, आप लोग देख ही रहे हैं लड्डू। ये लगे पेंसिल का है। हाँ ये देखिए लड्डू का पेंसिल है। मुझे थोड़ी देर के लिए पेंसिल का काम था। गाइस ये देखिए, ये है ये पेंसिल में लगाने वाला पीछे रीजर, मैं इसका भी फोटो गाइस। ये देखिए ये, लेकिन आगे नहीं लगता है, आगे से दिखता है, पीछे से देखिए ये नहीं दिखता था। देख रहे हैं जैसे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये प्लेट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। ये लड्डू का पसंद है, ये कलर मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट लड्डू को अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया, और ये तो मेरा पसंद है। मैं मार्केट जाऊं और कंटेनर ना खरीदूं, मॉल जाऊं और कंटेनर ना खरीदूं, हाउ इज़ इट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जब भी स्पेशली मॉल जाती हूँ तो ज़रूर कंटेनर खरीदती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए छत पर से मंदिर रास्ते का व्यू, लड्डू गया था शाम में तो मैं भी चली गई थी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ लड्डू कलर कर रहा है, आज वो अपने नए क्रेयॉन से कलर कर रहा है, देखिए कितने अच्छे से मन लगा के कलर कर रहा है वो। हाय गाइस, मैं कलर कर रहा हूँ, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। माँ मेरा वीडियो बना रही है, मैं कलर कर रहा हूँ। ऊपर मैंगो माँ ऊपर वाला की है, नीचे वाला बैक है गाइस, और बनाना को येलो से करते हैं गाइस। येलो का येलो गाइस, ये है येलो, हम लोग लिखते हैं येलो। और ये है मेरे रात का डिनर, ये हस्बैंड लेके आए थे। इसके साथ ही मेरा आज का ब्लॉगिंग यही समाप्त होता है। थैंक यू।